ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। उमा के दादा का फोन था, कह रहे थे सुंबल इस घर में तुम ही सबसे ज्यादा सियानी हो। अब्बा जी की भी मजाक की आदत नहीं गई। पर नुसरत, उन्होंने मुझे बहुत ही मुश्किल काम कह दिया है। वैसे सुंबल, तुम्हारे जिम्मे कोई भी काम लग जाए वो मुश्किल तो हो ही जाता है। मुश्किल काम? मामा, उन्होंने मसला फलस्तीन तो नहीं हल करने के लिए कह दिया आपको? उससे भी मुश्किल काम है वो, तो मैं 5 मिनट में करवा दूँ। अच्छा, तो फिर पुप्पो की शादी का मसला होगा। मेरी बेटी कितनी जहीन है। क्या मतलब, मेरी शादी इतनी मुश्किल है क्या? बहरहाल उन्होंने लड़का देख लिया है, वो उसे भेज रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें पसंद है और हम लोग भी देख लें। लड़का? यानी पुप्पो की शादी लड़के से होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि पुप्पो पुप्पो की शादी पुप्पा से होनी चाहिए। वैसे मामा, वो भी पुप्पो जैसे ही होंगे। नहीं, वो हैंडसम और स्मार्ट है। सुंबल, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ये तो बहुत सोच समझ का काम है। देखो, सोचने का काम तो ये है लेकिन समझने का नहीं है। शादी के बाद इंसान को दुख दर्द बांटने वाला मिल जाता है ना। लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं है। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। वैसे भी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादी के पहले माँ तो हर कोई ये कहता है कि शादी करने में इतनी देर क्यों कर दी, और एक साल के बाद फिर ये कहते हैं कि शादी में इतनी जल्दी क्या थी। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पुप्पो की शादी हो जाएगी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़का आने वाला है, जाके तैयार हो जाओ। नुसरत, खुदा का वास्ता, तुम्हें तो तैयार होने में भी 5 घंटे लगते हैं। मुझे शादी नहीं करनी। करनी पड़ेगी, इसलिए कि शादी के बहुत फायदे हैं। मसलन? मसलन ये कि शादी के बाद तलाक हो सकती है, और भी बहुत से फायदे। देखो, मुझे शादी नहीं करनी है, वो उसको लड़के को मना कर दो। नुसरत, लड़के को देखने में क्या हर्ज है? अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो हम उसे वापस भेज देंगे, भगा देंगे किसी तरह से। लगता है कि लड़का आ गया। जाओ ना नुसरत, तुम तो कमरे में जाओ। ये आजम साहब का घर है जी। क्यों? वैसे ही। तीन तीन सलामा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो मैं शादी के सिलसिले में आया हूँ, दादाजी ने बताया होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लड़के के बाप हैं? अच्छा, खैर, मेरा मतलब है कि आप बैठिए ना प्लीज। अच्छा, बैठे हैं। वैसे आप बड़ी जहीन हैं, आपने मेरे जहन की बात छीन ली है, यही मैं सोच रहा था कि मैं बैठ जाऊं। अच्छा जी जी, आप क्या पियेंगे? वाह 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 वाह, कैसी जहनी हमाहंगी है कि मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ पीऊं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत घर है। वैसे क्या लेंगी इस घर का? हुमा, जो इनके पीने के लिए कुछ लेकर आओ। भाई, खाने का तकल्लुफ ना करना, मैं सिर्फ पीऊंगा। वैसे अगर जिद करोगी तो कुछ खा भी लूंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अकरम सौदा। वैसे ये सोफा कितने का होगा? अच्छा, सोफा तो अच्छा है, लेकिन वो जिस लड़की की शादी है उसे साथ क्यों नहीं लाए? लड़के? अच्छा, लड़के, हाँ, वो मेरी ऊपर वाली मंजिल पर दुकान है ना, तो बड़े लड़के काम करते हैं। वैसे मैं मुलाजम भी उसको रखता हूँ जो शादीशुदा होता है। क्यों? क्योंकि शादीशुदा लोगों को फौरी हुक्म मानने की आदत होती है। आपके बेटे कितने? कैसी बातें कर रही है? तो अस्तग़फ़ार, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई जी। तो फिर जिस लड़के की शादी है, क्या वो आपका अजीज है? नहीं जी, वो लड़का मैं ही हूँ। वो तो आज मेरी जेब कट गई, इसलिए शक्ल से शादीशुदा लग रहा हूँ। वैसे मैं शादीशुदा हूँ नहीं। अच्छा अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उतनी जितनी का लगता हूँ। कितनी? छोड़ो जी, ये उम्र क्या होती है। कौन सा महीना? अप्रैल। मैं मार्च में पैदा हुआ था। वाह वाह वाह, ये मिठाई किस हिसाब से लेती हैं आप? मैं तो 10-10 किलो की हिसाब से लेता हूँ, जरा सस्ती पड़ती है। वैसे किस फैमिली से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा अपनी फैमिली से ताल्लुक है। वैसे मेरे बाप दादा जब मरे थे ना, तो बड़े मुरब्बे छोड़ के गए थे। वैसे मुझे गाजर और सेब का मुरब्बा बड़ा पसंद है। मुरब्बे छोड़ के गए थे? जब मरे थे तो बड़ी जमीन छोड़ के गए थे। मेरे नाना जब मरे थे ना, तो सारी दुनिया छोड़ के गए थे। कहाँ तक पढ़े आप? जी, मैं 2 किलोमीटर तक पढ़ा हूँ। जी जी हाँ, स्कूल जो है ना, वो हमारा 4 किलोमीटर दूर था। मैं 2 किलोमीटर से वापस आ जाता था।
जी बिजनेस अपना बहुत बड़ा है, मैंने तो अखबार पढ़ने के लिए भी मुलाजम रखे हुए हैं। वैसे आप किन चक्रों पे पड़ गई है, सौदा मुकाए जी। क्या मतलब? ओ जी वो लड़की की डील हो जाए ना, मेरा मतलब है कि मैं मशरकी लड़का हूँ, अब मुंह से क्या कहूँ, आप उनको बुलाए। लड़की पर्दा करती है जी। पर्दा करती है? अच्छा अच्छा अच्छा, पर्दे वाली फैमिली है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी अम्मी भी मेरे अब्बे से बड़ा पर्दा करती थी। आपको मेरी बात की समझ नहीं आई? आप इस कैसे सकती है, मुझे खुद अपनी बातों की समझ नहीं आती तो आपको क्या आएगी। घर कहाँ है आपका? घर? घर तो कमाल है जी, बड़ा बहुत बड़ा घर है, खुले खुले कमरे, बड़े बड़े बाथरूम, इतने इतने बड़े बड़े बाथरूम है कि तीन तीन बंदे सो जाते हैं वहां पे। वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी मेरी उम्र ही क्या है, शादी और मौत का एक दिन मुतय्यन होता है। वैसे मैं अपनी शर्मीली तबीयत की वजह से मार खा गया हूँ, नहीं तो शादियां तो तीन तीन। यही तो है फैमिली फ्रंट। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए तीन तीन। सुंदर कुछ करो ना, आजम भाई आ जाएंगे, कहीं वो शादी के लिए हाँ ही ना कह दे। दादा वो को पता नहीं क्या पसंद आ गया उनमें। मैंने कहा था आजम से कि अब्बा जी की आंखों का ऑपरेशन करवा दो, नहीं करवाया ना, अगर करवा दिया होता तो कम से कम अब्बा जी उसको पसंद करके तो यहाँ ना भेजते। वो बॉबी भी नहीं है, सुंदर कुछ सोचो ना क्या करें। मेरा ख्याल है कि ये कह देते हैं कि नुसरत पागल है, इस तरह से वो घबरा जाएगा और भाग जाएगा और नुसरत तुम्हें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मामा, हम कह देंगे कि हमारी पप्पू बहुत अकलमंद है। मैंने सुना है मर्द ना अकलमंद औरतों की बजाय खूबसूरत औरतों से शादियां करते हैं। काश मैं इतनी हसीन ना होती। हम झूठ मूठ कह देंगे कि हमारी पुप्पो बड़ी उम्र की हैं। तो इसमें झूठ मूठ की क्या बात है हुमा? मैंने सोच लिया। हाँ जी लीजिए लीजिए और लेना। क्यों दी? क्या लू जी, कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, जो आपने रखा था वो तो मैं हड़प कर गया हूँ। दरअसल मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ, खाना पीना छोड़ रखा है मैंने अपने घर से। आ जाओ ना नुसरत। तीन तीन सलामा जी, तीन तीन सलामा। आप ये तीन तीन सलामा क्यों कहते हैं? चले चार चार कर लें। लेकिन क्यों कहते हैं आप ये तीन तीन सलामा? पहली दो सलामे अगर कोई ना भी सुने तो तीसरी सलाम तो होती है ना। वैसे इन्होंने जवाब नहीं दिया। ओ अक्रम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपको कैसे जवाब दे सकती है? अच्छा शुक्र है, मैंने तो समझा था शायद जाते ही जवाब हो जाएगा। वैसे आप मुझे मुबारक दे, सौदा डन हो गया। जी वो जरा ऊंचा सुनती है पुप्पो। चार फुट या पांच फुट या खड़ा हो जाओ। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ये ऊंचा सुनती है तो मैं भी ऊंचा समझता हूँ। दरअसल ये ना बहरी है। तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा टेलीफोन ऑपरेटर लगाना है। ये गूंगी भी है। तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा गाने सुनने लगा हूँ उनसे। देखिए जी, आपको खुदा का वास्ता, आप कह देना कि आपको नुसरत पसंद नहीं है। नहीं जी नहीं, कैसी बात कर रही है, वैसे मैंने कभी गाहक को मोड़ा नहीं है ना, ये मेरी आइडियल बीवी है। ऐसी बीवी अच्छी होती है, ये बोलने चालने वाली बीवियां तो बहुत बुरी होती हैं। पहले हफ्ते खामन बोलता है और बीवी सुनती है, और दूसरे हफ्ते बीवी बोलती है और खामन सुनता है, और फिर दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। देखिए अकरम साहब, मैं तो देखिए जी अपने ईमान से कहूंगी कि सच्ची बात तो ये है कि नुसरत जो है ना वो आपके लायक ही नहीं है। अब मुझे ज्यादा ही सियानी लगती है। क्या तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, मैं कुछ जमीन के लालच में शादी नहीं कर रहा, मैं तो सवाब के लिए शादी कर रहा हूँ। हाँ, आपसे शादी करके बहुत सवाब होगा। ओ, लगता है कि आजम आ गए। मेरी बात सुनिए, आजम आएंगे ना तो आपने उनको ये कहना है कि आपको नुसरत बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ठीक है क्या? बस मैं कह रही हूँ कहना है। नहीं। आजम आप आ गए। अच्छा जिस रोज तुम मुझे ना बताओ ना। हाँ? मुझे पता नहीं चलता कि मैं आ गया। ये कौन है? अब्बा जी ने भेजा है, ये नुसरत के लिए, देखो जरा। तो ये तो गुंगा बहरा है, अब्बा जी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा था ना कि उनकी आंख का ऑपरेशन करवा दो। सलाम अलैकुम जी। एक्सक्यूज मी, सलाम अलैकुम। इनके खाने पीने को लाओ कुछ। अच्छा क्या लेंगे आप? इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं,
भाई रिश्ता ही ऐसा है, जितना मर्जी ऊंचा बोले। आप गुंगे बहरे नहीं है? जी नहीं। तो फिर आप इशारों में क्यों बातें कर रहे थे? वो आपकी बहन गुंगी बहरी है ना, मैं उससे हम कलाम हो रहा था। कौन गुंगी बहरी है? नुसरत, क्या कह रहे हैं नुसरत? वो आजम भाई, वो सुंबल तुम ही कुछ बताओ ना। हम मजाक कर रहे थे। अकरम साहब, हम मजाक कर रहे थे ना। हाँ भाई आप जाएं, हम मजाक कर रहे थे, चले जाएं। आपका इस्म शरीफ क्या है? जी मैं गोलड़ा शरीफ से आया हूँ। अच्छा, अच्छा। और तबीयत कैसी है आपकी? आप डॉक्टर भी हैं? जी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, तबीयत को छोड़े आप कारोबार की बात करें जी। वैसे ये आपने घड़ी कितने की ली है? ये 7,500 की जी। 500 लेने। हाय सुंबल, कुछ सोचो ना भाई। आजम तो अब्बा जी से बात करने के लिए गांव चले गए। उनके आने से पहले पहले ये तीन तीन को किसी तरह भगा देना चाहिए। हम कह देते हैं कि नुसरत शादीशुदा है। मैं कुछ शादीशुदा लगती हूँ? हाँ। सुंबल अभी तो मैं बच्ची हूँ। खुदा का वास्ता अखबार में कोई तरकीब ढूंढ लो। मामा तरकीब तो किचन कॉर्नर वाले कॉलम में होगी। मामा ये मजे की खबर है, डाकुओं ने एक शख्स की सास को अगवा कर लिया और कहा 2,00,000 दवान दे दो वरना तुम्हारी सास को वापस कर देंगे तुम्हारे घर पे। तो फिर क्यों ना हम नुसरत को अगवा ही करवा दें? हाँ ये ठीक है। नुसरत को शेर डाकू ने अगवा किया, ये शेर भी अगवा करने लगे। उन्हें पता चल गया होगा ना कि नुसरत किसी लखपति की बीवी बनने वाली है। ये नुसरत की शादी किसी लखपति से हो रही है? आपने खुद ही तो बताया था कि आप लखपति हैं। मैंने बताया? अच्छा तो फिर मैं हूंगा। वैसे जिस बात का मुझे अब पता चल रहा है, डाकू को पहले कैसे पता चल गया? क्या जो शेर डाकू है ना, बहुत खतरनाक है। हुकूमत ने शेर का शिकार मना किया हुआ है, वरना मैं उसे मार देता। उसने तो ये कहा है कि अगर अक्रम को तावान की सूरत में उसके हवाले कर दिया जाए तो वो नुसरत को वापस करेगा। मैं डर के नहीं कांप रहा, मैं गुस्से से कांप रहा हूँ। नुसरत को अगवा करके उसने कहाँ रखा है, कहीं मैं ना वहां पहुंच जाऊं। मेरा मतलब है कि ऐसे ही किसी जगह पे बंद किया होगा ना। वैसे पता क्या अकरम साहब, आप तो भाग ही जाएं, बिल्कुल भाग जाएं, वरना आपके साथ अच्छी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं जब तक आजम नहीं आते मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि नुसरत भी बाहर निकली थी, अगवा हो गई थी। मैं पुलिस को इतला देता हूँ। हाँ पुलिस को इतला देता हूँ। पुलिस को इतला नहीं देनी। हाँ पुलिस को कब इतला देनी है, इससे तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेइज्जती तो न जाने कब और किस वक्त हो जाती है। मेरा शुगर लेवल गिर रहा है, कोई गुलाब जामुन मंगवा दे। वैसे डॉक्टर ने अब तक खत नहीं लिखा। मामा हम खत लिखना तो भूल ही गए। चुप। दरअसल बात ये अकरम साहब के डाकू बिल्कुल अनपढ़ है, तो क्या फायदा खत लिखने का। अनपढ़ है तो कोई और काम करे। मेरा मतलब है कि डाकू से जब तक पूरा तारुफ नहीं हो जाता वो मेरे सामने आए तो सही। हाय अल्लाह, इसके लिए तो असली डाकू का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मामा असली डाकू कोई फारिक थोड़ी होते हैं, बहुत से काम होते हैं उनको करने के लिए। खुशी को फोन करते हैं। हाँ ये ठीक है। 700 पछाना? नहीं पछाना। वैसे जैसे आप मुझे लिफ्ट नहीं ना करा रहे, लगता है आपने मुझे पहचान लिया है। अरे एक जमाना था जब कोई भी नहीं पहचानता था, अब तो बच्चा बच्चा पहचानता है। मेरा ख्याल है आपको भी किसी ने नहीं पहचाना, आप सुल्तान रही हैं। इसका मतलब है कि मैं कत्ल हो चुका हूँ एनी टाइम? नहीं नहीं, आप कत्ल नहीं हो चुके। मामा खुश रखे, वही चेहरा, वही खूबसूरत चेहरा, क्या पर्सनैलिटी, मगर आप बोल पड़ते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको हीरो ले आऊं, हीरोइन के साथ। हीरवन ना डाले मेरे साथ। क्यों? पुलिस ने पहले एक मरतबा मुझ पे हीरवन डाली और सारी रात छतरौल होती रही एनी टाइम। तुम्हारे साथ तो हर हीरवन आना चाहती है। अच्छा? रीमा, मीरा, साहिबा, जितने भी हीरवन सारी तुम्हारे साथ आनी चाहती हैं। और तुम्हारे साथ हर हीरवन खड़ी कितनी खूबसूरत लगती थी। वैसे तो तुम्हारे साथ खड़ा मैं भी हसीन ही लगता हूँ। और नहीं भी नहीं, सीधे पहलवान से सीधी सीधी कुश्ती लड़ो एनी टाइम। ओहो कुश्ती लड़ने का क्या फायदा पहलवान जी, अगर लड़ना है तो इलेक्शन लड़े। वैसे इलेक्शन और कुश्ती में थोड़ा ही फर्क है। हाँ जी, कुश्ती में पहलवान जो होता है अपने कपड़े खुद उतारता है। वैसे मैं भी बड़ा अखाड़े में जाता रहा हूँ। अच्छा? नहीं यकीन आया, मुझे भी नहीं आया था। मेरे उस्ताद ने मेरी सेहत देख के मुझे कहा कि तुम्हारी सेहत के लिए जो वर्जिश है ना वो इतना ही काफी है कि तुम दिन में 2-3 कुश्तियां देख लिया करो।
वैसे एक बात है क्या कि मैं स्क्रीन पे कैसा लगूंगा एनी टाइम? स्क्रीन पे तुम इतने अच्छे लगोगे जब तुम एक्शन करोगे, जरा कोई एक्शन आता है तुम्हें करना? एक्शन तो बहुत आती है एनी टाइम। इस तरह नहीं, इस तरह तो तुम स्क्रीन से बाहर निकल जाओगे, अंदर खड़े होगे बात करनी जितनी भी करनी है। अच्छा वैसे तुम एक बात तो बताओ, तुम कितने बड़े हीरो आना चाहते हो? मैं इतना बड़ा हीरो आना चाहता हूँ, इतना बड़ा हीरो आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अंजुमन के साथ काम करूँ एनी टाइम। बात तो ठीक है, तुम अपना डायलॉग ले लो। अच्छा लेकिन उसमें ये एनी टाइम नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे एनी टाइम। तुम हो एनी टाइम नहीं बोलना, एनी टाइम तुम शेरे डाकू हो। शेरे डाकू? हाँ। वैसे मेरी वालदा मरहूम भी मुझे शेर कहा करती थी, लेकिन मुझ में जानवरों वाली कोई बात नहीं है। एनी एनी नहीं कहना। टाइम तो लगेगा ना एनी टाइम। यही तो है फैमिली फ्रंट। आपके घर कोई और चीज नहीं है खाने के लिए? दरअसल गम में मुझे ज्यादा भूख लग जाती है, तीन तीन बार। तो पहले ये तो खत्म कर ले। हाँ ये तो खत्म ही समझे आप। मामा लगता है शेर डाकू आ गया है। आपने कैसे पता? इसलिए कि यही उसके आने का वक्त है, वो इसी वक्त आता है, ठीक टाइम पे आया है। डाकुओं के भी आने की औकात होते हैं? हाँ जी। उनको तो बंदे की औकात देकर आना चाहिए। पता क्या, हमारे घर कोई वॉच डॉग नहीं है ना। वॉच डॉग? हाँ हाँ, कुत्ते भी वॉच पहनते हैं क्या? छोड़िए इस बात को, मैं तो आपको ये बताना चाह रही थी कि वो तो आते ही एक बंदे को कत्ल ही कर देता है। हाँ? पहले आपको कत्ल कर चुका है? और क्या है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि डायलॉग बोलो। मैं हूँ शेरा डाकू, एनी टाइम। एनी टाइम नहीं कहना। मगर अब यहाँ लेने क्या आए हैं? क्या बकवास कर रहे हो, मुझे भी डायलॉग बुला रहे हो? चल मेरा शेर बोल दे। तो मैं क्या कह रहा था, मेरा मतलब है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इतनी गालियां मारूंगा, इतनी गालियां मारूंगा। कितनी गालियां मारू से? नहीं चलानी पछतावल, तुमने पछाना नहीं, पछतावल असली है। ओए फिर पंजाबी च सुन, मैं तेनू कह रहा था कि अपने आप नू मेरे हवाले कर दे, ओए मैनू दस ओए मैं तेनू किनिया गोलियां मारा। आकरम साहब आप भाग जाए, भाग जाए वरना ये आपको मार डालेगा। ओए मेरे तीन गिनन तक नस जा, नहीं तो होन लगाई एनी टाइम। एक दो तेजी से भागना। ये तो अंदर भाग गया, बाहर निकलो ए एनी टाइम। वो तो इधर ही आ रहा है, कहाँ छुपूं? मुझे अगर पता होता कि इस घर में ऐसे लोग रहते हो तो मैं यहां कभी ना आता। एक कैसा घर बनाया है, छुपने के लिए जगह भी नहीं है। अरे कतल ते होंगे रोजना, दावी होंगे, आज जिन्ना ने हाली जम के मेरे नाल दुश्मनी पानी है। एनी टाइम। भाई एनी टाइम नहीं कहना। ये क्या हो रहा है भाई? आजम ये वो है शेरा डाकू, तो तुम ना इधर उधर कहीं छुप जाओ। नमा या सोनिया, ओए एनी टाइम। ये नमा नहीं है, मैं बड़ी देर से जानता हूँ। एनी टाइम तो मैंने पहले भी कही। आजम भाई, आजम भाई, ये डाकू है, इन्होंने आपकी बहन को अगवा किया है। ओए तुम फिल्म के दरमियान मत आओ गंजे, आजम की बहन नुसरत हमारी भी बहन है एनी टाइम। कैसी अच्छी एक्टिंग की है, ये तो मुझे इसने कहा था कि सुल्तान रही बनके कत्ल करने की ट्राई देनी है। क्यों है? ये कहां भाग गया? मैं आपको बताता हूँ कहां भाग गया। तो क्या ये फ्रॉडिया है? फ्रॉडिया नहीं जी, मैं तो सिद्धा पहलवान हूँ एनी टाइम। सिद्धा पहलवान? आप हड्डी वड्डी जोड़ लेते हैं ना। अल्लाह की रहमत से तो अपनी भी जोड़ ही लेंगे। नहीं जी, आप इसे मेरे हवाले करें, बल्कि आप खुद ही मारे। यही तो है फैमिली फ्रंट।
वो हम नुसरत के लिए शॉपिंग करने आए हैं। पता नहीं मुझे गुस्सा चढ़ा होगा, क्योंकि आजम ने मुझे इतना डांटा है, कोई और होती ना तो तलाक ले लेती। तलाक लेने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, और वो है शादीशुदा होना। मामा, शादी पर मर्द ब्लैक सूट क्यों पहनते हैं? उनके लिए बहुत दुख का मौका होता है ना, इसलिए। मैं भी काला सूट पहनूंगी, ये सुर्ख पड़े करें। दिखाए जी काला, दिखाए। अरे नुसरत की बच्ची, तो ये नुसरत की बच्ची तो नहीं, ये तो खुद नुसरत फुप्पो है। अरे राबी तुम, अरे इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। हाँ, मैंने सुना था कि तुमने शादी कर ली। मेरी शादी ऐसे हुई है जैसे लोड शेडिंग होती है। हाँ, मिला नोटिस, इसलिए मैं किसी को बुला ना सकी। आपको पता है हमारी फूफो की शादी हो रही है। वैसे नुसरत, यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं तो मेरी शादी पर जरूर आना, और अपने मियाँ को भी लेकर आना। कैसे हैं? अरे मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। हाँ, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है। फूफो, मर्द को अल्लाह मियाँ का बैल क्यों नहीं कहते? देखो, अगले हफ्ते मेरी शादी पर जरूर आना, और अपने मियाँ को भी लेकर आना। ओके, जरूर लेकर आऊंगी। ओके, मैं चलती हूं। खुदा, बाय। के वास्ते बेगम, जरा सौदा जल्दी किया करो, मैं इतने देर से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। ओहो, मेरी क्लास फेलो मिल गई थी, उसकी इसी हफ्ते शादी है, और हाँ, उसने तुम्हें भी बुलाया है। मैं? मगर अगले हफ्ते तो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। जी नहीं, मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर, चलो ठीक। नुसरत, तुम तो बस वैसे ही दिख रही हो जैसे 20 साल पहले थी, जरा बेहतर नहीं लग रही। सुंदर, चलो मुझे दिखाओ नुसरत का होने वाला दूल्हा, चलो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये होने वाले दूल्हा फूफा, आपको मैं इतने से 3-3 सलाम। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये आपकी पहली शादी है? जी, इन्होंने ना दरअसल शादी नहीं की, इन्हें अपना आइडियल ही नहीं मिला, तो अब नुसरत की सूरत में अपना आइडियल मिल गया। जी जी, आपको आइडियल नहीं मिला और आपने पहली शादी भी नहीं की? जी हाँ, जी नहीं, झूठ क्यों बंदा बोले, वाकई नहीं की। जरा इधर देखे ना। जी राबिया, तुम? जी मैं, अब बताओ भला कौन हूँ मैं? मुझे नहीं पता कौन हो तुम। मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारी